brought to you by ITIL. रेल की पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही है। लोको पायलट रह रहकर हॉर्न बजा रहा है। हॉर्न के शोर और पटरियों पर रेल के पहियों की कंपन के बीच एक शख्स रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ है। उम्र करीब 50 पार होगी। धूप और बारिश से बचने के लिए सिरहाने एक छाता लगाए हुए है। शख्स इस बेफिक्री से सो रहा है मानो उसे कोई हॉर्न सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब सवाल ये है कि उसने आराम करने के लिए रेल की पटरी को क्यों चुना? वो पटरियों पर जानबूझकर लेटा था या कारण कुछ और था? इस सवालों से इतर ये जानना भी जरूरी है कि इस शख्स के करीब जब ट्रेन पहुंची तो क्या हुआ। 25 अगस्त की दोपहर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। वीडियो जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, अब एक नजर उसे देख भी लीजिए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो प्रयागराज का है। लोग लिख रहे हैं कि मिंटोस जिंदगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक व्यक्ति पटरी पर छतरी लगाकर सो गया। उसी वक्त एक ट्रेन इसी पटरी से आगे बढ़ रही थी, तभी लोको पायलट ने सामने रेल की पटरी पर कुछ अजीब देखा। लोको पायलट ने ट्रेन रोक कर छतरी लगाकर सो रहे व्यक्ति को जगाया, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। ये तो बात हुई लोगों की, अब आपको बताते हैं कि रेलवे ने इस पर क्या कहा है। रेलवे की ओर से कहा गया कि ये वीडियो प्रयागराज का नहीं है, हमें किसी भी ड्राइवर या यात्री ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि रेलवे की ओर से इस वीडियो की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अब ये वीडियो कहाँ का है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोको पायलट के काम की लोग सराहना कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर सो रहा शख्स सुरक्षित है। अंत में आपसे यही अपील है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। रेलवे ट्रैक सोने की जगह नहीं है, अपना और अपनों का ध्यान रखें। इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने। एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए। रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंट सेहत अड्डा को पावर्ड बाय USP, योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।